हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वॉइस ऑफ होम्योपैथी। और एक और सेशन में आपके लेके आए स्मॉल एक्यूट्स के लिए। रिसेंटली अभी जो कोविड पे जो मैंने रूब्रिक्स और मैंने जो मेरी तरफ से मेडिसिन सेशन थे वो डाले थे, बट क्योंकि इस समय गवर्नमेंट का काफ़ी प्रेशर है इसके ऊपर कोई भी न्यूज़ या और कुछ पब्लिश करने से, और शायद हो सकता है किसी ने रिपोर्ट भी किया तो यूट्यूब से दो वीडियो हमारे डिलीट किए गए और फेसबुक से भी एक वीडियो हटाया गया। सो कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है, इससे डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं। जैसे ये सब वापस लाइन पे आ जाएगा तो मैं फिर से कोशिश करूँगा उन यूट्यूब वीडियोज़ को आपके पास वापस लाने के लिए। अभी इस समय वो अवेलेबल अनअवेलेबल है और अभी डाल भी नहीं सकते प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट की, बट इन फ्यूचर वी विल डिस्कस दैम अगेन। तो अभी ये केस एक आया हमारे पास, मेरा नोन केस था, ही चल रहा था ऑलरेडी विटिलिगो का, और जो बेसिक प्रॉब्लम थी इसको इस केस को वो थी आपके डिस्पेप्सिया इनडाइजेशन। तो कई बार व्हाट आई डू इज, और इसको क्या बार बार एक्यूट एपिसोड होता था इसका, थोड़ी देर के लिए एक दो दिन तीन दिन के लिए होता, फिर 15-20 दिन निकल जाता, फिर होता, फिर निकल जाता। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि व्हाट आई डू इज कि मैं क्रॉनिक का भी सिम्टम रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसी सिम्टम के आसपास की ही मेडिसिन ढूंढी जाए जो एक्यूट भी उसका कवर करती हो और अच्छे से कवर करती हो। तो हमने इसमें रूब्रिक लिया विटिलिगो स्किन एंड ऑटोइम्यून डिजीज जनरलिटीज में, और इसके अलावा जो मेन सिम्टम था दैट वाज फ्लैचुलेंस, बहुत ज़्यादा गैस बनना, और उनमें भी कितने बूढ़े लोगों में फ्लैचुलेंस इन द ओल्ड पीपल, दो ही मेडिसिन इसमें फॉस्फोरस कार्बोनिमेलिस, और गैस्ट्रिक हेडेक, गैस पेशेंट बोलता सिर में चढ़ जाना, और सावर इरेक्टेशंस आफ्टर ईटिंग। अच्छा, एक उसने और चीज़ बोली थी कि खाना पेट में ही रहता, आगे नहीं जाता, बट ये सिम्टम भी पिक्यूलियर है, आर्स और कैलकेरिया सीपीएस में काफ़ी कॉमन, इग्निशियस में काफ़ी कॉमन, बट फिर भी बाकी सिम्टम्स थे, और जो नेचर ऑफ द पेशेंट देखते हुए हमने फॉस्फोरस सिलेक्ट किया और ब्यूटीफुल रिजल्ट मिला हमें 2-3 दिनों में ही। नेक्स्ट आया एक केस टाइफॉइड फीवर का। अब जो आपको बेसिकली याद रखना है कि जिस समय पेशेंट आपके पास आ रहा है तो एक्यूट में आते हुए सबसे पहले बोला क्या आपके, उसकी जो मेन एगोनी क्या है वो आपको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है एक्यूट में। तो उसने दो चीज़ बोली, छोटा बच्चा था तो, कि एक तो नक्सीर आ रही है बहुत, और दूसरा जो है मेरे जो पैर हैं पैर बहुत दर्द कर रहे, खासतौर से काफ रीजन, चलने में बहुत प्रॉब्लम है। तो ये दो तीन सिम्टम हमने मेन लिए। जो फर्स्ट लिए हमने दैट वाज एपिस्टैक्सिस ड्यूरिंग टाइफॉइड फीवर, कुछ ही मेडिसिन हैं इसमें, ये रूब्रिक को ज़रूर पढ़िए आप, एपिस्टैक्सिस ड्यूरिंग फीवर। एपिस्टैक्सिस इन चिल्ड्रन भी मैंने लेने की कोशिश की, बट वो क्रॉनिक के लिए ये सिम्टम ज़्यादा बेटर है बजाय एक्यूट के। पेन इन काफ्स, वॉकिंग एग्रवेशन, इस पेशेंट को बार बार टाइफॉइड होता था, तो मैंने कन्वेलेंस का भी रूब्रिक ले लिया था, बट इट वॉज नॉट फॉर यूज़ इन दिस केस। और पेन इन लेग्स विथ फीवर, और उसके अलावा अपर आईलिड्स की स्वेलिंग। तो ये केस रस्टॉक से बहुत अच्छा सॉल्व हुआ, और जब भी आप देखें कि जो एक्यूट जो कंडीशन है वो टाइफॉइड की तरफ जा रही है, एलन किरोट ने साफ लिखा है, रस्टॉक्स को ध्यान रखें। नेक्स्ट ये केस है ऑटम सीजन में फीवर था पेशेंट को, तो जो फीवर में भी मेन जो कंप्लेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेशेंट ने बताया, एक तो फ्लैचुलेंस के लिए बताया, छोटा बच्चा था, और जैसे ही खाना देखता है व्हेन टाइम फ्रॉम ईटिंग द साइट ऑफ फूड, ऐसे तो बोलता है कि भूख लगी, बट जैसे ही टाइम हुआ खाने का और जैसे ही देख लिया कि बस अब मम्मी ला रही है खाना, देन ही स्टार्टेड के नहीं अब नहीं खाना, नखरे स्टार्ट करना उस समय। और तो एपेटाइट वॉन्टिंग विथ हंगर इजी सेटाइटी, थोड़ा सा खाते ही, तो मुझे लगा इसमें एक रूब्रिक और है जनरलिटी से, ये आपको मैंने दिखाने के लिए लिया है ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन से रूब्रिक किस मेडिसिन में आते हैं, फ्लैचुलेंस इन चिल्ड्रन, और एक हमने और रूब्रिक देखा इसमें इंडिफरेंस टू फूड एंड ड्रिंक। बहुत से बच्चों को ज़रूरी नहीं कि उनको भूख नहीं लगती हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसको खाने के प्रति अरुचि हो, उसको इच्छा नहीं हो खाने की, भूख तो हो सकती है बट भूख नहीं लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट और इंडिफरेंस टू एपेटाइट, एक दोनों अलग चीज़ें हैं। और ऑटम सीजन में फीवर, ऑटम सीजन की कंप्लेंट्स के लिए चाइना इज बेस्ट मेडिसिन, तो चाइना हमने दी पेशेंट को, विद इन 2-3 डेज काफ़ी हद तक वो ठीक हो गए इस कंप्लेंट्स। नेक्स्ट ये केस हमारे पास आया,
वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का, जैसे आप सब लोग जानते हैं, बहुत कॉमन चीज़ है। सिम्फोनी कार्पस बहुत हम लोग इजीली देते हैं, कॉकुलस इजीली देते हैं इसमें। जो मेन सिम्टम था, जो जिस पे फोकस आप इवेल्युएट उसको कीजिए, जो सिम्टम पेशेंट ज़्यादा वेटेज से बोले, जिसको बोले ये तो मेरा अभी ठीक करके दो, ये वाला से ये वाली प्रॉब्लम तो मेरे को सबसे ज़्यादा हो रही है, सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा उसमें या तो आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो सॉफ्टवेयर में सिम्टम की, या फिर आप उस चीज़ को ज़्यादा फोकस में लें। तो वर्टाइगो पे उसने बहुत ज़्यादा फोकस किया, चक्कर बहुत ज़्यादा है, तो वर्टाइगो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये नोन केस है मोशन सिकनेस का, जो गाड़ी में चलते ही उल्टी आती है लोगों को, तो ऐसे लोगों को अगर प्रेगनेंसी की वॉमिटिंग हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो जाती है। और उसके अलावा एक जो सिम्टम्स होता है डस्ट एलर्जी, मतलब कुछ भी सफाई वफाई की, थोड़ा धूल मिट्टी में गई तो छींके वगैरह चालू हो जाना, तो डस्ट एलर्जिक पेशेंट। तो ये केस हमने सॉल्व किया आर्स से, तो विद इन आई थिंक 2 या 3 डेज उसके काफ़ी ठीक हो गई वो, जो कई महीनों से चल रही थी वॉमिटिंग। नेक्स्ट एक केस लिए हमने, हेडेक का केस था, उससे पूछा मैंने कैसे हुआ था हेडेक, दो तीन, उसने बोला 2-3 दिन से हो रहा है मेरे को कंटिन्यू। तो हेडेक में उसने जो बताया हमें, जो मेन चीज़ बताई, दैट इज हेडेक आफ्टर मैकेनिक, बाइक से चल रहा था, गिर गया किसी कारण से, और गिरने के बाद सिर में दर्द है। अच्छा, दर्द में भी उसने जो मेन चीज बताया, बांध के आया था, बिल्कुल पूरा ऐसे अच्छे से बांध रखा था उसने, बड़ी चुन्नी से स्कार्फ होता है जैसे लेडीज का, उससे बांधा हुआ था उसने। और वॉमिटिंग सिमिलेशन, जैसे ही उसने उल्टी की तो थोड़ी देर के लिए कम हो जाता, फिर तेज होने लगे से, फिर उल्टी करता थोड़ी देर बाद में, फिर थोड़ा कम हो जाता है। और एक स्पेशल डिजायर उसने बताया क्लिनिक में आके कि थोड़ा डॉक्टर साहब पंखा चलाइए, लेकिन ऐसा चलाइए कि हवा आती रहे लेकिन जोर से ना लगे। तो कार्बोवेज को क्या पास से फैनिंग चाहिए थी, और बहुत फास्ट वाली चाहिए थी, लेकिन जब आप लैकेसिस को देखेंगे तो लैकेसिस की फैनिंग उसको चाहिए थी, लेकिन थोड़ा दूर से, धीरे धीरे, हल्के हल्के, एसी को थोड़ा सा दूर से, ठंडी ठंडी हवा दूर से आती रहे। जो कार्बोवेज है वो कूलर ज़्यादा प्रेफर करे, कूलर में पूरा ऐसे घुस के बैठेगा। जो लैकेसिस है वो दूर से थोड़ा ठंडी हवा और धीमे धीमे आती हुई जैसे एसी में आती, वो उसको ज़्यादा प्रेफर करेगी। तो ये सिम्टम के बाद में हमें खासतौर से मेडिसिन समझ में, इसमें लैकेसिस वन इम्पोर्टेंसी में रिपीटेड दी हमने 2-3 दिन तक, और जैसे ही एक्यूट का फेज निकल गया स्टॉप कर दिया हमने मेडिसिन, क्योंकि नोजोड है, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं देना चाहिए इसको। तो जैसे ही फेज खत्म हुआ एक्यूट का, हमने बंद कर दिया, उसके बाद फिर उसको सेगलैक पे चलाया, कुछ ही दिनों में पेशेंट ओके हो गया। सो दिस वॉज अगेन अ स्मॉल सेशन, थैंक यू ऑल, और अपडेटेड रहिए, और इसी तरह हम आपके पास आते रहेंगे। लॉकडाउन में रहिए, और ये मुझे बेस्ट यूज़ लगा लॉकडाउन का कि वीडियोज़ जितने ज़्यादा हो सके बनाए जाए। थैंक यू।